अस्सलाम वालेकुम टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शहना शम्स लारकान से बेरोजी बाबर अली खोकर की रिपोर्ट शामिल करते हैं। ड्राइवर अशर लेबर यूनियन की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पुराने बस स्टैंड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जहां पर मुजाहरीन ने रक्षे खड़े करके महंगाई के खिलाफ रैली नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के सदर सैयद जफर शाह, जनरल सेक्रेटरी गुलजार कोबांग, अनवर जतोई, इरफान सोलंगी और दीगर ने कहा कि सीएनजी गैस 15 से 20 दिन बंद रहने के बाद खुलती है और माफिया 180 रुपये के बजाय 220 रुपये किलो में फरोख्त कर रहे हैं, जिसके सबब रक्षा गाड़ियों का खर्चा भी नहीं निकलता। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से चीनी घी समेत हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जिसके सबब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। महंगाई के सबब गरीब आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोल और सीएनजी गैस की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए।